Hey, everyone. Good evening. Can you hear me? Yes, you Yes. Okay, great. Thank you so much, everyone, to join our live session for Microsoft Azure AG104. I'm Manjeet Rawat, your online instructor, and now I'm going to start our session. I hope you all of you are compatible with Hindi and uh, English as well, right? Yes, you are. Okay, so you guys are free to ask any question because it's not a training like another platform like Simply Learn. I, I already completed multiple batches for Simply Learn and Intellibet. So they mute the entire participant, but this is one on one training. This is not a uh, uh, type of other platform. So I'm giving you authority to you can unmute yourself and you can ask any question. फाइन सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द एजेंडा एज बी डिस्कस्ड बिफोर की जितने भी क्लासेज होंगी द इंटायर क्लासेज आर बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज यूर ए जी वन जीरो फोर ब्लू प्रिंट आई हैव ऑलरेडी शेयर द कोर्स कंटेंट विद यू गाइज आई होप कि आपको मेल मिल गई होगी अगर आपको ई मेल नहीं रिसीव हुई आपको कॉन्टेंट नहीं रिसीव हुआ है सो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप आई एम गोइंग टू सेंड यू द कॉन्टेंट एज वेल जितनी भी क्लासेज होंगी वो एजेंडे पे होंगी मींस हर एक क्लास का एक प्रॉपर एजेंडा होगा एंड विल फॉलो द रोड मैप अकॉर्डिंग टू द माइक्रोसॉफ्ट जो सर्टिफिकेशन के लिए रोड मैप माइक्रोसॉफ्ट एजियोर फॉलो कराता है हम उसी भी पे टास्क परफॉर्म करेंगे आई होप कि सभी को स्क्रीन मिल रही होगी आई होप यू ऑल ऑफ यू एबल टू सी माई स्क्रीन राइटर स्क्रीन ओके ग्रेट सो एज़ वी डिसाइडेड बिफोर कि हमारा जो बेसिकली एजेंडा है वी विल डिस्कस अबाउट द कोर कंटेंट रिलेटेड टू ए जी वन जीरो फ़ोर सो ए जी वन ज़ीरो फोर इज़ अ बेसिकली एज योर एडमिनिस्ट्रेटर यू नो दैट एज योर एडमिनिस्ट्रेटर के केस में मल्टीपल टॉपिक्स हमें कवर करने हैं मल्टीपल मेड्यूल्स अवेलेबल हैं सो यू कैन ईजली यू कैन ईजिली एक्सेस द कॉन्टेंट अगर आपको नहीं रिसीव हुआ है तो आप गूगल पे टाइप करिए एज योर ए जी वन ज़ीरो फ़ोर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का लिंक ओपन करेंगे इट विल रीड आइए यू ऑन पेज ऑफ कॉन्टेंट सो दिस इज द कोर कॉन्टेंट दैट वी विल कवर यहाँ पे देखिए इवी टॉक अबाउट द कॉस्ट रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन सो फॉर अदर कंट्रीज यू हैव टू पे वन सिक्सटी फाइव डॉलर बट इंडिया के केस में इंडिया लोकेशन में इसकी जो कॉस्ट है इट्स अ जस्ट फोर थाउजेंड एट हंड्रेड जी को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड या फाइव थाउजेंड हंड्रेड के आसपास आपको वाउचर मिल जाता है जिससे आप एग्जाम दे सकते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट जो हमें कवर करने हैं तो कंटेंट को माइक्रोसॉफ्ट ने पांच अलग मेड्यूल में कैटेगराइज कर रखा है स्टार्टिंग हम करेंगे एज योर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस को रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एंड एज योर एक्टिडाएक्टी सर्विसेज 15 टू 20 परसेंट ये हमारी हेल्प करेगा इन केस ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन मीन्स जो आपके थाउजेंड मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन की लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि कितने नंबर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं और टोटल मार्क्स क्या होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सर्टिफिकेशन के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली इंटरव्यू तो ऑटोमेटिक आपका प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाती है इंटरव्यू के लिए सो so, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट की ए जी वन जीरो फोर के एग्जाम का रोड मैप, मैप क्या होता है ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने के लिए सर्टिफिकेशन कोड हमारा क्लियर है सर्टिफिकेशन कोड ए जी वन जीरो फोर जो पहले ए जी वन जीरो थ्री था अभी वो उसको कन्वर्ट करके ए जी वन जीरो फोर कर दिया गया और पहले की बात करें अगर ट्वेंटी सेवनटीन की बात करें 2018 की बात करें 2018 की बात करें या 2017 की बात करें तो इस एग्जाम को बोला जाता था 70435. उसके बाद इन्होंने अपग्रेड किया अपनी सीरीज लॉन्च ला, की इन्होंने सीरीज इन देंस सर्टिफिकेशन सीरीज लॉन्च की एज योर ए जी वन आपका एडमिनिस्ट्रेटर सेम कंटेंट था और अभी जो लेटेस्ट है वो है एज योर ए जी वन जीरो फोर बहुत सारे चेंजेस किए इन्होंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए कंटेंट में टू थाउजेंड एटीन में इसका एग्ज़ाम कोड ये चलता था सेवन जीरो फाइव फोर फोर थर्टी फाइव फोर थर्टी टू के आसपास एंड नाउ दे चेंज 19 तक इवन यही था देन 19 अक्टूबर से इन्होंने इसको रिप्लेस किया और 2022 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एज के सर्टिफिकेशन को ए जी से 304 में कन्वर्ट कर दिया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वेरी करता है इट्स नॉट मैंडेटरी आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे वो फोर्टी सेवन भी हो सकता है बिटवीन फोर्टी सेवन टू फिफ्टी फाइव ठीक है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात हो सकती है ये हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें टोटल मार्क्स की बात करें तो वन थाउजेंड का टोटल मार्क्स होगा टोटल जो एग्ज़ाम में आपको मार्क्स अचीव करना पड़ेगा मीन्स पासिंग मार्क की बात करें तो पासिंग मार्क आपके पास कम से कम 70% होना चाहिए 75 टारगेट लेकर चलो बट 70 70% ऑफिशियल है मिनिमम 700 आपको अचीव करना ही पड़ेगा फॉर द पासिंग दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की लिस्ट हो गई 47 से 55 के बीच में क्वेश्चंस आ सकते हैं इन्होंने कभी भी अपने क्वेश्चन पे मार्क्स को मेंशन नहीं किया है तो वी आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा वो इन्होंने मेंशन नहीं किया अगर आप एग्जाम देते हैं तो उस टाइम पे मेंशन नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर थाउजेंड मार्क्स टोटल है जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन है सिर्फ एच जीरो जी वन जीरो फोर की बात नहीं कर रहे हैं हर एक सर्टिफिकेशन के लिए थाउजेंड मार्क्स जो है मीन्स टोटल मार्क्स मार्क में कंसिडर किए जाते हैं और पासिंग मार्क सेवेंटी परसेंट यानी सात सौ मार्क आपको अचीव करने ही पड़ेंगे हाँ प्रिपरेशन की बात करें तो अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इन्होंने पहले से डिस्क्राइब कर रखा है कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एज यर एडी एज यनेक्ट एज यूर एडी सिंकनाइजेशन पॉलिसी गवर्नेंस सिक्योरिटी आर बैक सर्विसेज इन सभी में से इन सभी कंटेंट में से आपको फाइनल एग्जामिनेशन में ट्वेंटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट मार्क्स देखने को मिल जाएगा जितनी अच्छी तैयारी रहेगी आपकी एज यू एक्टिव डायरेक्टरी के केस में उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको फाइनल एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएं इंप्लीमेंट स्टोरेज बहुत ही आसान है इसको समझना बहुत आसान है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली स्टोरेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल या स्टूडेंट आसानी से उनको क्लियर कर देते हैं अगर आपने इसकी प्रैक्टिकली नॉलेज है नॉट ओनली फॉर द स्टोरेज हर एक पोर्टल हर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है आपने एक भी बार इंप्लीमेंट करके देखा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन का रिप्लाई आप आसानी से दे देंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड आगे आपने पास डिप्लॉय एंड मैनेज एच कंप्यूटर रिसोर्सेज जिसमें वर्चुअल मशीन बनाना वर्चुअल मशीन को आर एक्सेस करना विंडोज की लिनिक्स की सिकवल सर्वर की और एकल की कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की वर्चुअल मशीन को क्रिएट करके अपने क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैसे उनको ट्रबल शूट करते हैं लाइक like, कोई क्लाइंट कह रहा है कि आई एम अनेबल टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन आर डी तो उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में हमें जानना वर्चुअल मशीन जब क्रिएट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं उन ऑप्शन के बारे में जानना उनको इम्प्लीमेंट करना डेली बेसिस पे यूटिलाइज करना यूज़ करना वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर मैटर में करेंगे चौथा मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 20 टू 25 परसेंट आपको फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा ये मॉड्यूल और ये नेटवर्किंग यू नो दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटो रहता है नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना राइट right? तो लोकल नेटवर्क जैसे ऑन प्रोमाइस पे आप स्विचेस वगैरह लगा के नेटवर्किंग करते हैं ऐसे ही एजयर ने नॉट ओनली एज्यूर हर एक क्लाउड प्रोवाइडर ने एक प्राइवेट या वर्चुअल स्विच आप बोल सकते हैं या वर्चुअल मेथड प्रोवाइड कर रखा है जिसके थ्रू हम अपना खुद का नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे वी नेट वी नेट पेयरिंग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप फायरवॉल लोड बैलेंसर सी कैसे हम अपने बी के थ्रू ऑन प्रोमाइसिस को कनेक्ट करते हैं कैसे हम एक्सप्रेस रूट के जरिए ऑन प्रोमाइसिस में रन करने वाले सर्वर को एज की सर्विसेज के साथ अटैच करते हैं एंड पॉइंट क्या होता है प्राइवेट एंड पॉइंट क्या होता है पब्लिक एंड पॉइंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट इतना सारा कंटेंट पढ़ने के बाद अब बारी आती है कि उसको कैसे मॉनिटर किया जाए कैसे उससे लॉग निकाला जाए कैसे उनका बैकअप कॉन्फ़िगर किया जाए फेल ओवर और डिजास्टर रिकवरी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो सबसे लास्ट के चैप्टर में आएगा मॉनिटर एंड मेंटेन एज योर रिसोर्सेज टेन टू फिफ्टीन का आपको इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिल जाएंगे ये बात हो गई कॉन्टेंट की ये तो हमने केवल मेडुल बताया अब कॉन्टेंट कैसे हम स्टार्ट करेंगे अब देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन पे हमने स्टार्ट किया है प्री रिक्यूजिट इट्स मैंडेटरी आपको पता होना चाहिए कि एस सर्विसेज यूज़ करने से पहले आपके पास क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्री uh -huh. को ओपन करेंगे इसमें देखेंगे ये आपको कोर कंटेंट बताएगा बेस से बताएगा यू शुड नो अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजी एस पोर्टल क्या है एजियोर पोर्टल की सर्विसेज को क्लाउड सेल से कैसे एक्सेस करोगे पावर सेल क्या काम करता है कैसे हम पावर सेल स्क्रिप्ट के जरिए अपने एजियो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं राइट विल डिस्कस अबाउट सी एल आई पावर सेल और कमांड लाइन दोनों ऑप्शन के जरिए हम अपनी एस सर्विसेज को इस्तेमाल कर पाते हैं उनको ऑन ऑनप्रोमाइस से कंट्रोल कर पाते हैं तो सी एल आई और पावर सेल दोनों का ऑप्शन है रिसोर्स मैनेजर क्या होता है उसके बाद कॉन्फिगर रिसोर्स मैनेजर रिसोर्सेज विद एस रिसोर्सेज रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट मल्टीपल टेम्पलेट ऑप्शन दिखाई पड़ेगा जिसके थ्रू अपने सर्विसेज को आप क्रिएट कर पाएंगे थोड़ा सा ऑटोमेशन का पार्ट पावर सेल की कुछ स्क्रिप्ट कुछ कमांड जिसके थ्रू हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे सी जिसके जरिए हम अपने कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए अपने एजूर पोर्टल के रिसोर्सेज को कनेक्ट करने का काम करेंगे हर एक मेड्यूल में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाएगा हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाएगा नॉलेज चेक का जब आप नॉलेज चेक को ओपन करते हो ना तो ये आपसे कुछ क्वेश्चन हर एक मेड्यूल में हर एक कॉन्टेंट में आपको नॉलेज चेक मिल जाएगा किसी में तीन क्वेश्चन किसी में पाँच क्वेश्चन किसी में छः क्वेश्चन अगर हम ये क्वेश्चन रिजॉल्व कर लेते हैं अगर हम ये क्वेश्चन खुद से रिजॉल्व कर देते हैं तो आप इसको एज ए डम्प कंसीडर कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अगर आपने हमारे नॉलेज चेक के क्वेश्चन को ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा 200 से 225 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे अगर सभी मेड्यूल को आप रिजॉल्व करोगे सॉल्व करोगे और 220 225 क्वेश्चन होने का मतलब है कि आप अपना एग्ज़ाम बहुत ही आसान तरीके से सेवेंटी फाइव के आसपास अचीव कर पाओगे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने सिस्टम पे भी निकाल सकते हो उसमें कोई ज़्यादा नहीं है आई 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 सेंड यू द पी डी एफ एज वेल क्योंकि मैंने इसका पी भी डाउनलोड कर रखा है तो आई शेयर द पी डी एफ इफ़ यू नीड तो ये एजेंडा हो गया एजेंडा पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है एंडिंग कहाँ से करनी है क्या क्या कॉन्टेंट हम कवर करेंगे ये सारा कुछ ऑनलाइन है मेंशन किया गया है इसमें कोई मीन्स कस्टमाइज नहीं है हम बिल्कुल ब्लूप्रिंट फॉलो करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के कंटेंट पर एवरी थिंग इज ओके गाइज कुछ ऐड करना है आपको अपनी तरफ से या कोई क्वेश्चन है आपको कॉन्टेंट से रिलेटेड रोड मैप से रिलेटेड तो प्लीज लेट मी नो बिकॉज इट्स योर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन या लाइव सेशन चलाने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली जो है ना डिस्कस कर सकें एनी वन गाइज यू हैव एनी क्वेश्चन इफ़ एवरी थिंग इज़ ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी विद क्लाउड आई होप कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्लाउड में काम कर रहे होंगे हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि यू आर गाइस आर वर्किंग प्रोफेशनल और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ नॉलेज है ऑलरेडी यू नो अबाउट सर्वर यू नो अबाउट नेटवर्किंग आपको ए मैनेज करना आता होगा आपको एक्टिव डायरेक्टिव में ग्रुप पॉलिसी लगाना आता होगा आप बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हो नेटवर्किंग में आईपी एड्रेसिंग आपको अच्छे तरीके से आती होगी स्टोरेज में सैन और नैस स्टोरेज आपको पता होगा तो ये कोर है आर्किटेक्ट में सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर के केस में ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर डेवलपर सो डेवलपर के केस में कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है आर्किटेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर के केस में हमारा कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्विसेज हम दे रहे हैं या जो हमने रिसोर्सेज लगा रखे हैं उन रिसोर्सेज को टेक केयर करना वी लगा है सर्वर लगी है या हमने स्टोरेज uh, कॉन्फिगर कर रखा है वर्चुअल नेटवर्क स्टेब्लिश कर रखा है फायरवॉल लगा रखा है तो उनको कैसे मैनेज किया जाए यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अगर कहीं पे डाउट लगता है कहीं पे कोई क्वेश्चन लगता है तो आप पुट अप करिए प्लीज़ बिकॉज ये प्लेटफॉर्म है जब हम क्लास में रहते हैं तो हमको क्लास की उतनी ज़्यादा मतलब हम उसको वैल्यू uh, नहीं देते लेकिन जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होती है फिर याद आता है कि हमें ये भी डिस्कसन करना था हमें ये भी uh, बातें करनी थी ये वाला कन्फ्यूजन दूर करना था तो आल्दो आई एम अवेलेबल फॉर आफ्टर एज वेल कोर्स होने के बाद भी बहुत सारे हमारे प्रीवियस uh, स्टूडेंट uh, हैं जो अभी भी कोऑर्डिनेट करते हैं एंड आई एम आई एम रेडी टू रिजॉल्व द अगर ऐसा कुछ दिचुएसन आती है तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक अबाउट क्लाउड टेक्नोलॉजी या अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ भी बोल सकते हैं बिकॉज एज यूर जो है यू नो दैट प्री रिक्यूजेड हमें समझना जरूरी है तो प्री के केस में पहले तो हमारा माइंड सेटअप होना चाहिए कि एक्चुअल में क्लाउड है क्या बेसिकली यू नो दैट इंडिया के मार्केट में सिक्सटीन अप्रोक्सीमेटली एट टू सेवन टू एट ईयर्स से हैं इंट्रोड्यूस की बात करें इंट्रोडक्शन की बात करें तो एच ने माइक्रोसॉफ्ट ने एच को इंट्रोड्यूस किया था इन ईयर ऑफ टू थाउजेंड टेन बट अगर आपने इंडिया के मार्केट की बात करें तो दो हज़ार सोलह से 2016 से या 15 से लोग इस पर इम्प्लीमेंट सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे तो पिछले सात साल में एच ने नॉट ओनली एच ने सभी क्लाउड प्रोवाइडर ने अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाई है इंडियन मार्केट में अच्छे खासे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने ट्राई ट्राई अप किया है इवन रेपेड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो स्टार्ट यूजिंग एच एंड क्लाउड सर्विसेज तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका फ्यूचर काफ़ी बेटर है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू यूज़ क्लाउड टेक्नोलॉजी या वर्चुअलाइजेशन सभी को कॉस्ट सेविंग करनी है कभी सभी को डाउन टाइम कम चाहिए सभी को इम्प्लीमेंट मोनिटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें हार्डवेयर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है एवरी थिंग्स आर अवेलेबल ओबर अ प्लेटफॉर्म ओबर अ क्लाउड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्ट नीड टू परचेज जितना यूज़ करना है जितना यूज़ करेंगे उतना हमें पेमेंट देना पड़ेगा उतना ही हमें एज अ रेंट यू कैन से दैट यू हैव टू पे

इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल टू अनम्यूट योर सेल तो आप आप चैट में भी बता सकते हो कि क्लाउड ये है ये इस तरीके से काम करता है एनी वन मॉडल करेक्ट करेक्ट we can use virtually. बिल्कुल ग्रेट सो यू नो दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आई एम नॉट से आई टी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें आईटी नॉन आईटी दोनों के केस में अगर हम बात करें तो आईटी फील्ड आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो दोनों के केस में दे मस्ट नीड टू इंप्लीमेंट द सर्विसेज हर एक इन्वायरमेंट को मीन्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वर लगाने की रिक्वायरमेंट होती है उनके यहाँ कंप्यूटर्स लगे रहते हैं स्टोरेज अवेलेबल रहती है नेटवर्क डिवाइस लगे रहती हैं तो कहीं ना कहीं जो हार्डवेयर इंप्लीमेंट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉसिबिलिटी हमारी रहती है वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर हमारे जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे उनको डेली बेसिस पे आपको मॉनिटर करना कोई इशू आता है तो उसको रिप्लेस करना या फिर उनके लिए एक प्रॉपर तरीके से वी केंस इधर प्रॉपर तरीके से इन द सेंस कि सर्वर लगे हैं तो कूलिंग लगाना उसमें और डस्ट वगैरह क्लीन वगैरह मीन्स क्लिनिंग करना लॉट्स ऑफ एक्टिविटी दैट यू नीड टू परफॉर्म और सबसे बड़ा हेडेक तब होता है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन होता है बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर डाउन हुआ तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसको ट्रबल शूट करने के लिए क्लाउड आने के बाद जो क्रिटिकल सर्वरस हैं वेब सर्वर आपने होस्ट कर रखा है ई e कॉमर्स की वेबसाइट आप रन कर रहे हैं आपने डेटा लगा रखा है आपने आ, कोई एप्लीकेशन सर्वर इस्टाब्लिश कर रखा है तो ऐसे क्रिटिकल सर्वर्स को जिनका डाउन टाइम आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट करे, जिनका डाउन टाइम आपके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करे, ऐसे सर्वर को हम क्लाउड पे रख सकते हैं और क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पांसिबिलिटी होगी उसको टेक केयर करने की तो आप बोल सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म है एक वेबसाइट है जहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं जिन रिसोर्सेज को हम अपने ऑफिशियल या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा और इस पर डिस्कस करते हैं हाउ इट वर्क क्लाउड टेक्नोलॉजी की बात करें तो कैसे ये टास्क परफॉर्म करता है क्लाउड की जो बेसिकली पिलर्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग को मैनेज करने का काम करते हैं जो सर्विसेज को कैटेगराइज करते हैं वो तीन बेसिकली पिलर माने गए हैं जिसमें से एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ए सर्विसेज दूसरा प्लेटफॉर्म है ए सर्विसेज जिसको पैस बोलते हैं और तीसरा है अपने पास सॉफ्टवेयर है ए सर्विसेज ये तीन पिलर माने गए हैं जिनकी हेल्प से आप अपने पूरे के पूरे क्लाउड टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सकते हैं एस और ए डब्ल्यू एस ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही वेबसाइट पे आपको ये तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी जो सर्विस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है ये वाली सर्विस हमारी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में काउंट होगी और ये सर्विस हमारी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में काउंट होगी ये हमें मालूम होना चाहिए वी शुड अवेयर अबाउट द कैटेगरीज ऑफ अवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर आइजे सर्विस बहुत ही आसानी से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आई ए एस पी एस एनएसएस को बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं सेग्रीगेट कर पाएंगे कि ये वाली सर्विसेज हमारी आई ए एस में जाएंगे कैसे आई ए एस जो सर्विस है इंफ्रास्ट्रक्चर एजेस सर्विसेज जो हैं इनको बोला जाता है मैनेजेबल सर्विस ठीक है इनको बोला जाता है कि ये सर्विसेज जो होती हैं मैनेजेबल होती हैं मैनेजेबल सर्विसेज मतलब जो आप अपनी तरफ से खुद मैनेज कर पाओ एग्जांपल तो बहुत सारे हैं इसके जैसे आप वर्चुअल मशीन बनाते हो ये मैनेजेबल सर्विस है स्टोरेज आप परचेज करते हो एच से या किसी क्लाउड से वो भी आपका मैनेजेबल में आता है आप नेटवर्किंग सेटअप करते हो आप बी सेटअप करते हो ये सारी सर्विसेज आपकी कंसीडर की जाती हैं मैनेजेबल के केस में कैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है मान लीजिए आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की एक सर्वर आपने परचेज किया और स्टार्टिंग में आपने चार जी की रैम इस पर असाइन कर दी और फोर कोर का प्रोसेसर चार कोर का प्रोसेसर भी सी और लगभग 120 ट्वेंटी की हार्ड डिस्क आपने लगा दी एवरी थिंग इज़ ओके सब कुछ सही चल रहा था चार जी की रैम और आपका जो हार्ड डिस्क और प्रोसेसर है एवरीथिंग इज ओके वर्किंग फाइन आफ्टर मंथ यू रियलाइज कि नहीं जो हमारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हम इस पर इंस्टॉल कर रहे हैं उसके लिए चार जी बी इनफ नहीं है या मुझे एक सौ बीस स्टोरेज से ज़्यादा चाहिए मैं अपना पर्सनल डेटा इस पर रखना चाहता हूँ राइट सो इन दिस केस वॉट यू नीड टू डू अब ये जो चार जी बी आपको चेंज करना है या प्रोसेसर चेंज करना है या हार्ड डिस्क चेंज करनी है यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू चेंज इट क्योंकि ये मैनेजेबल सर्विस है कस्टमर कैन मैनेज यानी यूजर कैन मैनेज वी आर अ कस्टमर ऑफ एज्योर तो हम क्या करेंगे इसका रैम अपने मन से जितना आपको इंक्रीज करना है वो आप मैनुअली इंक्रीज करेंगे प्रोसेसर इंक्रीज करेंगे हार्ड डिस्क इंक्रीज करेंगे यानी आप मैनेज कर रहे हो इसको यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज एवरीथिंग सेकेंड स्टोरेज के एग्जाम्पल की बात करें तो आपने स्टार्टिंग में हंड्रेड गिग का डेटा स्टोर हंड्रेड टी बी का स्टोरेज आपने परचेज किया और छः महीने बाद ये हंड्रेड टी लगभग नाइन्टी परसेंट फिलअप हो गया मतलब नाइन्टी टी का स्पेस आपने कंज्यूम कर लिया अब कंपनी को और स्पेस इस चाहिए इसी में इंक्रीज़ करना है आपको हंड्रेड टी का स्टोरेज फाइव हंड्रेड टी में कन्वर्ट करना है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल आपको किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करना आपको अपने स्टोरेज को क्लिक करना है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है एडिट का ऑप्शन आएगा आप जितना इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो आप इंक्रीज़ कर दोगे जैसे आप इंक्रीज करेंगे कॉस्टिंग आपके इंक्रीमेंटल के बिहे पे लगना स्टार्ट हो जाएगी पहले 100 टीवी था आप 100 टीवी का पेमेंट देते थे नेक्स्ट अब आज के बाद आपने 500 कर दिया तो डे वन से जिस दिन आपने 500 किया अब जो आपका बिल आएगा आपका अब जब आपको इनवाइस जनरेट होगा वो 500 टीवी के हिसाब से जनरेट होगा उम्मीद है ये चीजें समझ में आ रही होंगी मैनेजेबल सर्विस का मतलब कस्टमर कैन मैनेज दे आर ऑन सर्विसेज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी सर्विस को मैनेज करे अगला ऑप्शन है पैस सर्विस इसको आप जस्ट अपोजिट मानिए अनमैनेजेबल सर्विस ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे ये हमारे अनमैनेजेबल सर्विसेज में काउंट होती है अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो अनमैनेजेबल में काम आती हैं बहुत सारी सर्विसेज हैं एक दो नहीं लोड बैलेंसर अनमैनेजेबल सर्विस में आती है उसको हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे उसमें लोड बैलेंसर के साथ साथ आई होप यू आर अवेयर अबाउट द एच एडी ए डी ये भी आपका अनमैनेजेबल सर्विस में आएगी वेब अप्लीकेशन वेब एप एक सर्विस होगी वो भी आपका अनमैनेजेबल यानी आपका पैस सर्विसेज में काउंट होगी नाउ ये दोनों को कंपेयर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड अबाउट the gap between infrastructure as a services and platform as a services yeah the koi confusion guys please let me know if you have any doubt or question anyone guys any question let us talk more about unmanageable service कि किस तरीके से ये काम करता है सो लोड बैलेंसर आप केवल पैकेट सेलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा लोड बैलेंसर क्रिएट करना है नॉर्मल लोड बैलेंसर क्लाउड का ट्रैफिक मैनेजर सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन गेटवे वे सेलेक्ट करना है यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द लोड बैलेंसर टाइप और उसके बाद उसमें उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो खुद से लोड बैलेंसर मैनेज करेगा एज यूर एक्टिव डायरेक्टिव जैसे आप सर्वर पे एडी इंस्टॉल करते हो सर्वर इंस्टॉल किया रोल इंस्टॉल किया एक्टिव डायरेक्टरी को प्रमोट किया वहाँ पे नाम वगैरह दे करके आपका सर्वर रेडी हो गया एजयूर के पास जब आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं जब आप साइन अप करते हो एज पोर्टल पे और सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो उसी टाइम पे आपको एक एज्यू एडी का प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक मिल जाता है बिना किसी इंस्टॉलेशन के ये कोई सर्विस नहीं है ये आपका बिल्ट इन सर्विस बोल सकते हैं पैस सर्विसेज है, है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वेब सर्वर अगर आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है तो उसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं आप गोडेडी डॉट कॉम से कोऑर्डिनेट करिए वो आपसे कुछ चार्ज लेगा पूरे साल का उस चार्ज के भी है पे आपकी वेबसाइट को वो टेक केयर करेगा अगर आप अपना खुद का वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं अपने खुद के सर्वर से तो आपको सबसे पहले तो हाई कॉन्फिग्रेशन का एक सर्वर परचेज करना पड़ेगा इसके बाद इसमें आप डिसाइड करोगे कि ओ एस कौन सा इंस्टॉल करना है अगर आपने विंडोज़ सेलेक्ट किया तो आपको आई एस सर्विस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको इसके लिए पब्लिक आईपी खुद से असाइन करनी पड़ेगी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कि आपकी इस मशीन के लिए डेडिकेटेड पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करें स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करें और फिर देन यू नीड टू अपलोड योर वेबसाइट जो आपने वेबसाइट क्रिएट किया है डॉट नेट में पी में जावा में वो वेबसाइट आप अपलोड करोगे और ये सब एक्टिविटी करने में अभी स्टेप्स की बात करें तो बहुत कम ही स्टेप दिखाई पड़ रहे हैं बट ये एक्टिविटी करने में आई ए कॉन्फिगर करने में एस एस कॉन्फिगर करने में आईपी एड्रेस मैनेज करने में इट विल टेक थ्री टू फोर आवर्स इफ यू हैव अ मच एक्सपीरियंस अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है देन इट विल टेक अप टू थ्री टू फोर आवर्स कम से कम तीन से चार घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा लेकिन सेम चीज जो आप आई के थ्रू कर रहे हैं ना सेम चीज़ आपको अगर वेबसाइट सेम वेबसाइट होस्ट करनी है डौ, डौ, नेट की पैस के ज़रिए आपको केवल एक प्लान खरीदना है बस आप एज को बोलोगे कि मुझे वेबसाइट होस्ट करनी है वो मल्टीपल प्लान दे देगा एस वन प्लान एस वन बी वन प्लान पी टू प्लान मल्टीपल प्लान्स आपको दिखा देगा हमारे वेबसाइट से रिलेटेड हमारे बिजनेस से का सूटेबल जो प्लान है वो आप सेलेक्ट करो परचेज करो सिर्फ अपना डेटा अपलोड करो बाकी सारी एक्टिविटी प्रोवाइडर करेगा ना हमें कोई आई सर्विस इंस्टॉल करनी है ना हमें कोई अपाचे सर्विस इंस्टॉल करनी है राइट ना ही हमें कोई स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करनी है सब कुछ बना बनाया रहेगा हमें केवल अपना पर्सनल डेटा अपलोड करना पड़ेगा मीन्स पर्सनल डेटा इन देंस दे जो वेबसाइट है ना वो वेबसाइट का डेटा जो डॉट नेट की फाइल है वो डॉटनेट की फाइल अपलोड करनी है विद इन फाइव टू टेन मिनट पाँच से दस मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड लाइव हो जाएगी जो काम पाँच घंटे चार घंटे में हो रहा था वो पाँच से दस मिनट में अंदर हो गया ये गैप हुआ मैनेजेबल और अन मैनेजेबल के बीच में और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल जो लगभग हर एक बंदा एग्जाम्पल देता है इसका आई और पी का लाइक एज यू कैन से दैट अगर हमें पिज़्ज़ा खाना है राइट right? अगर हमें पिज़्ज़ा खाना है तो वट वी नीड टू डू एक तो ये है कि आप खुद से प्रिपेयर करो सारी चीज़ें आप खुद से बनाओ डो बनाओ टॉपिंग्स लगाओ उसमें जो भी वेजिज़ रहते हैं उनको अरेंजमेंट करो फिर बेक करो बहुत सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा ये प्रोसेस में मे बी कि आपको एक घंटा लग जाए ठीक है एक घंटे के अंदर आपने अपना पिज़्ज़ा तैयार किया इट मीन्स दैट आई ए सर्विस क्योंकि आप टेक केयर कर रहे हो उसमें आपको सॉल्ट कितना उसमें डालना है कितना उसमें टोपन्स डालना है कितना डो कितना वेक करना है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मैनेज करोगे यहीं पे अगर हम पैस सर्विसेज की बात करें प्लेटफॉर्म एज एस सर्विसेज की बात करें तो इस केस में क्या है आपने मोबाइल ओपन किया कोई से भी ऐप ओपन कर लिया आपने डोमिनोज को ओपन कर लिया स्विगी जोमेटो कुछ भी किसी का भी ऐप ओपन कर लिया एंड यू जस्ट टेक ऑर्डर आपने ऑर्डर किया आपको सेलेक्शन करना है कौन सा खाना है मीन्स आपको केवल प्लान सेलेक्ट सल, करना है आपने सेलेक्ट किया पेमेंट किया विद इन हाफ एन आवर या जितना भी टाइम लगता है वो आपका रेडी होकर आएगा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ पैस सर्विसेज अब बारी आती है सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज की थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं सॉफ्टवेयर आईजी सर्विसेज बेसिकली द यूसेज ऑफ सॉफ्टवेयर एजी सर्विसेज इज कोर रिलेटेड टू बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव यू नो दैट ऑफिस 365 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एक ऐसा डैशबोर्ड है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कोई भी हार्डवेयर नहीं मिलता अगर आप ऑफिस 365 सिक्सटी फाइव से जो टास्क परफॉर्म करते होंगे या ऑफिस 365 की प्रोफाइल पे जॉब करते होंगे उनको मालूम है कि ऑफिस 365 का प्लेटफॉर्म आपको मेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है ठीक है आपको मेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और मेलिंग सर्विसेज में किसी भी हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं विद हेल्प ऑफ लाइसेंस आप कोई भी मेल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में कोई हार्डवेयर नहीं लगाया जाता ना बैकहेंड की तरफ से ना हमारी तरफ से वो आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा एंड यू जस्ट नीड टू स्टार्ट यूजिंग जस्ट लाइक एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल नॉट ओनली द द्री सिक्स जितने भी ओटी टी प्लेटफॉर्म आप देखते हैं नेटफ्लिक्स हो गया अमेजन हो गया हॉटस्टार हो गया जी फाइव हो गया ये सभी आपके कंसीडर किए जाते हैं ऐसे एस के सर्विस में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के लिए उम्मीद है कि ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे बेस है ये बेस मीन्स इफ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द एज सर्विसेज इफ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट द एज यूर सर्विस नॉट ओनली द एज आप किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये बेस मजबूत रखना पड़ेगा ये चीज़ें आपको मजबूत रखनी पड़ेगी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो गाइज दिस इज योर प्लेटफॉर्म यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कोर्स जो भी हम कोर्स हम करने वाले हैं मीन्स आने वाले टाइम पे जो भी हम टाइम देने वाले हैं वी शुड नो अबाउट की uh, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है एनी वन एनी डाउट एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो मंचीते एक क्वेश्चन था नरेश दी साइड या नरेश प्लीज मैं आपका परचेज किया है वो एप्लीकेशन से एजी 4 का कोर्स मैंने तो हाउ इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट कोर्स सबसे बड़ी चीज तो इसमें आप डायरेक्टली कन्वर्सेशन करके आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो राइट इसमें सारा कंटेंट आप लाइव देख रहे हो सो सबसे बड़ा बात ये है सबसे बड़ी चीज ये है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप कर पाओगे और प्लस इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मतलब रिकॉर्डिंग प्लस डॉक्यूमेंट प्लस पीपीटी या जो फिर माइक्रोसॉफ्ट की पीडीएफ बुक होती है वो सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इसके साथ रिकॉर्डिंग करे, होगा करेक्ट 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 रिकॉर्डिंग सेशन रहेगा सॉरी कंटेंट तो वही उसमें भी फॉलो किया है ब्लू प्रिंट इसमें भी फॉलो किया है तो दोनों में कॉन्टेंट सेम रहेंगे बस ये है कि ये लाइव है बिल्कुल वहां पर क्वेश्चन आप करेंगे हो सकता है इमीडिएटली रिप्लाई ना मिले थोड़ा सा टाइम लग जाए बट यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपके अकॉर्डिंग डिजाइन की जाएगी जैसा आपको बेटर लगेगा समझ में आएगा क्लियर यू वेलकम सो लेट्स टॉक अबाउट क्योंकि यू नो दैट दिस इज़ डे वन डे वन इन द सेंस क्योंकि हमने इसमें कोई डेमो वगैरह नहीं बताया तो इट्स जस्ट लाइक अ क्लास तो हम कोशिश करेंगे कि आपका बेस क्लियर हो जाए बाकी आप डिसाइड करना कि कैसे करना है हमें कंटिन्यू रखना है या फिर जो भी है क्योंकि बेस हमारा क्लियर होना चाहिए तो आप इसको पहली क्लास की तरह ही कंसीडर करिए क्योंकि आज की डेट में डोमेन चेंज करना इंपॉर्टेंट है हमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी आईटी के केस में तो यू नो वेरी वेल अबाउट जब तक हम आईटी में रहेंगे हमें पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी हमें तैयारी करते रहने पड़ेगा सो लेट्स टॉक अबाउट द एज पोर्टल एंड सब्सक्रिप्शन पोर्टल की बात करें तो यू जस्ट नीड टू ओपन पोर्टल एस टी टी पी एस और इसका यू आर एल जो है वो है पोर्टल डॉट एज डॉट कॉम पोर्टल डॉट एज डॉट कॉम ये यू आर एल आप टाइप करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द एज यूर पोर्टल पेज पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट करना विद इन मिनट आप क्रिएट कर लेंगे बट सर्विसेस आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उस पर सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज करते हैं। तो अकाउंट के साथ साथ इट्स आर रे रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड सब्सक्राइब आवर सेल्फ यह हमें एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए हमारे पास तो लेट्स टॉक अबाउट एजयर सब्सक्रिप्शन कौन कौन से एजयोर सब्सक्रिप्शन होते हैं मेनली एजय के पास फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड पे एज यू को एंड तीसरा है अपने पास एम एस डी एन ये तीन आपको सब्सक्रिप्शन मिलते हैं यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद योर बाई यूजिंग दीज थ्री डिफरेंट सब्सक्रिप्शन इसकी वैलिडिटी होती है तीस दिन की और इसमें आपको क्रेडिट अमाउंट मिलता है दो सौ डॉलर आप इस पर्टिकुलर टू हंड्रेड डॉलर का इस्तेमाल करके कोई भी सर्विस एज्योल से परचेज कर सकते हो ये आपका प्रॉपर बिलिंग है यू हैव टू पे अमाउंट एज पर द यूसेज पे एज पर द यूसेज एम जो है वो एम सी टी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए अप्लीकेबल है जिसमें आपको हंड्रेड डॉलर हर महीने मिलते हैं कि आप तैयारी कर सको और इसकी वैलिडिटी होती है एक साल की ट्वेल्व मंथ्स की एक साल बाद आपको एम जो एम एम uh, है सर्टिफिकेट उसको रेन्यू कराना पड़ेगा रिन्यू कराने के बाद फिर से आपको बारह महीने मिल जाएंगे और रिन्यू के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको अपग्रेड करनी होती है पोर्टल पे तो ये हो गई बात सब्सक्रिप्शन की नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट एज सर्विसेज ये सब्सक्रिप्शन हो गया तैयारी करने के लिए हर एक क्लाउड प्रोवाइडर हमें ऑप्शन देता है टू

AG104 हाँ अगर आपके पास ए जी वन जीरो फोर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास सर्वर का कोई सर्टिफिकेट है जैसे पहले एम सी एस ए वगैरह आता था ना अगर आपके पास एम सी एस ए भी है वो भी चल जाएगा या नहीं, नहीं ये ए जी नाइन हंड्रेड अप्लीकेबल नहीं है ए जी वन जीरो फोर ए जी एट हंड्रेड ए जी एट हंड्रेड वन ये अपलीकेबल है आपके पास अगर इनका सर्टिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो किसी स्पॉन्सरशिप से किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सरशिप ले सकते हो वो आपको स्पॉन्सर कर देंगे और सर्टिफिकेट आपका विद इन फिफ्टीन डेज आ जाएगा ठीक है तो ये हेलो नीरज आई थिंक नीरज का क्वेश्चन था नरेश सॉरी ओके सो लेट्स आइडेंटिफाई द पोर्टल पोर्टल पे चलते हैं मेरे पास दोनों अकाउंट है पे एस यू गो का अकाउंट भी है और आपका एमएसडीएन सब्सक्रिप्शन भी है तो यू जस्ट नीड टू ओपन द पोर्टल डॉट एसज डॉट कॉम एंड पोर्टल का जो लुक है बहुत ही आसान है इसको समझना इन कंपेयर ऑफ एडब्ल्यू एस दोनों का अगर आप कंपेयर करोगे ए डब्ल्यू एस एस जी एंड गूगल क्लाउड को तो एजयूर ज़्यादा बेटर लगता है मीन्स यू कैन ईज़िली आइडेंटिफाई इसका जो जी यू आई है इसका जो ग्राफ़िक है इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स uh, एक तरीके से इम्पैक्ट करता है टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली अबाउट द सर्विसेज सो आई एम यूजिंग माई एम एस टी एन सब्सक्रिप्शन हंड्रेड डॉलर मुझे हर महीने एज uh, प्रोवाइड करता है एंड वी आर एबल टू यूज द सर्विसेज एज़ पर द क्रेडिट दैट यू हैव अब देखिए यहाँ पे एम एस डी एन में थ्री थाउजेंड थर्टी टू रुपीज़ का क्रेडिट अभी हमारे पास रिमेनिंग है एटीन सेवनटीन को मेरा ये फिर से रेव्यू हो जाएगा तो इट मीन्स दैट वी हैव इनफ टाइम नाइन मीन्स अभी लगभग सात आठ दिन है सात आठ दिन के लिए थ्री थाउजेंड इज इनफ सब्सक्रिप्शन वेरीफाई के लिए आप जर्नल पे क्लिक करिए ये आपको रीडायरेक्ट करेगा इस पर्टिकुलर पेज पे और यहाँ पे हमें क्या करना है सब्सक्रिप्शन के आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन दिस पर्टिकुलर पेज जहाँ से आप अपने सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं एम एस डी एन दो सब्सक्रिप्शन है मेरे पास क्योंकि मेरा यह तीसरा साल है एम सी टी का तो आई एक्टिवेटेड टू टेनेंट बेसिकली फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एक पे है और टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एक पे अवेलेबल है तो ये क्रेडिट का अमाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सर्विस को किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए क्वेश्चन अब ये हो गया इनिशियल टाइम इनिशियली आपको एक सब्सक्रिप्शन रखना ही पड़ेगा विदाउट सब्सक्रिप्शन वी आर अनेबल टू परचेज एनी अब यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करें सर्विसेज की बात करें कंप्यूट है डेटा कंटेनर्स हैं डेटा बेस हैं वी आर एबल टू फाइंड एज योर एक्टिव डाइक्टिव सर्विसेज एज वेल स्टोरेज का ऑप्शन है नेटवर्किंग का ऑप्शन है सिक्योरिटी का ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए स्टोरेज नेटवर्किंग यहाँ पे आ जाएंगे कंप्यूट और सबसे टॉप पे देखेंगे तो ये एज योर एक्टिव डायरेक्टरी फिर मॉनिटरिंग जिसमें हम बैकअप रीस्टोर मॉनिटर करना है अलर्ट लगाना राइट लॉक्स रीड करना वाका आ जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टेंट दैट वी नीड टू कवर इन आवर ट्रेनिंग पूरे क्लास में जो भी हमारी क्लासेज होंगी उन सभी में हम इनका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन देखेंगे जस्ट लाइक एज आयर रियल इन्वॉर्मेंट ल्सो शेयर फ्यू टिकट्स जो टिकट मोस्ट कॉमन है ऑर्गेनाइजेशन में uh, जब आप एज एज इंजीनियर काम करते हैं तो जो मोस्ट कॉमन टिकट्स हैं उन टिकट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि, कि किस तरीके से रियल टाइम में एज पे काम होता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होती है सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेसन ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पर

ओके सब्सक्रिप्शन पार्ट की बात करें तो फ्री ट्रायल हर एक क्लाउड प्रोवाइडर पहले आपसे बोलेगा कि आप थोड़ा बहुत सीख लो उसके बाद सर्विसेज परचेज करना अदरवाइज हमें डेफिनेटली चार्ज पड़ जाएगा तो और सीखने के लिए वी डोंट वांट टू पे एनी अमाउंट एज यूर थर्टी डेज का आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है जिसमें 200 डॉलर का क्रेडिट अमाउंट रहेगा ये लगभग 14500 के आसपास का अमाउंट रहता है जिसको आप 30 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं 30 दिन में आप वो पूरा क्रेडिट अमाउंट यूज कर सकते हो दूसरा है पे एज यू गो दूसरा है अपने पास पे एज यू गो और पे एज यू गो में जितना आप इस्तेमाल करेंगे राइट right? जितनी सर्विसेज आप इस्तेमाल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देनी पड़ेगी एमएसडीएन क्या होता है ये अपल्लीकेबल है एम के लिए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको एक साल तक एजूल हंड्रेड डॉलर देता रहेगा जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने में कोई भी परचेजिंग करने में या आप यूज़ कर सकते हैं इज इट ओके ये क्लियर हो गया अबाउट सब्सक्रिप्शन लेट्स टॉक अबाउट ग्रेट ग्रेट सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन यू स्टार्ट अवर जर्नी मीन्स ये लाइव सेसन कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं तो आई हैव ऑलरेडी मेन्सन ईच एंड एवरी पॉइंट ट्वेल्व थाउजेंड इसकी फी है यू नो दैट लाइव सेसन की यू जस्ट नीड टू ओपन एच यू पोर्टल डॉट एच यू डॉट कॉम आप अपना जी मेल अकाउंट या ओ मेल अकाउंट आउटलुक अकाउंट का यूज़ करके साइनअप करेंगे एंड साइनअप करने के बाद सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर जा करके हम ऐड करेंगे आई शो यू द प्रॉपर स्टेप कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे सो लेट्स टॉक अबाउट द एजेंडा एजेंडा क्लियर है अपना कॉन्टेंट uh, क्लियर है लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस कैसे आप इनरोल करोगे ट्वेल्व थाउजेंड फी है इसकी दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो सिक्स थाउजेंड टू स्टार्ट आवर जो नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगी उसमें एंट्री के लिए सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड आपको तब देना है जब आपका पचास परसेंट फिफ्टी परसेंट कोर्स कंप्लीट हो जाए ठीक है तो ये हो गया अपने पास फी की डिटेल एंड अल शेयर यू अगर आप पे पिंग करेंगे तो अल शेयर यू द डिटेल की कैसे आपको पेमेंट करनी है एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हर एक सेशन की जैसे अभी ये एक घंटे का सेशन हुआ है जो भी हमारे पास वन एंड हाफ आवर के सेशन होंगे एक घंटे का डेढ़ दो घंटे ढाई घंटे का सेशन होगा क्लास खत्म होने के आधे घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और वो रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके अपने हार्ड डिस्क में रख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का की बुक जो पी बुक है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे लर्निंग पर्पज़ के लिए और जो माइक्रोसॉफ्ट की पी है वो पी भी हम आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अबाउट रिज्यूम यस आई हेल्प यू टू राइट द रिज्यूमे किस तरीके से रिज्यूमे में मेंशन करेंगे क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे और कैसे हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करेंगे कि हम एजूर पे टास्क परफॉर्म कर चुके हैं राइट right? तो जो भी अपने पास एक्सपीरियंस है जो भी दो साल चार साल पाँच साल तो उस इस एक्सपीरियंस में से अगर आपके पास पाँच साल है तो डेढ़ साल का एक्सपीरियंस हम एस में काउंट कराएंगे दो साल का एक्सपीरियंस है तो उसमें से एक साल का एक्सपीरियंस हम काउंट करेंगे एज एस जर कैसे मेंशन करना है कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है वो हम आपको गाइड कर देंगे क्लियर दो मिनट का टाइम ले लीजिए आप गो थ्रू कर लीजिए आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं

इंडस्ट्रियल सिनेरियो में सेम यही है कि अगर आपको दो तीन टिकट्स देखने को मिल जाते हैं कि हाँ किस तरीके से एज पे इशूज़ आते हैं या कैसे आप इनको रिजोल्व करोगे तो वो सारा पॉइंट हम अपने में इम्प्लीमेंट करेंगे इवन आई शेयर यू द प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन एज वेल प्रोजेक्ट कैसे आई एम अवेलेबल ऑन फाइबर एज वेल अपवर्क पे भी हैं और uh, थोड़ा बहुत फ्री भी कर लेते हैं जैसे छोटे छोटे इशूज़ आ जाते हैं या फिर किसी को माइग्रेट uh, करना है सर्वर माइग्रेट करना है किसी को स्टोरेज लगाना है सी कैमरा का पूरा का पूरा डेटा उनको एस uh, जी के ब्लॉग स्टोरेज में रखना है ए से कैसे इंटीग्रेट किया जाता है तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट की लिस्ट भी है अपने पास वो प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करेंगे इन यू आर रिस्पांसिबल टू परफॉर्म द प्रोजेक्ट यू नीड टू कंप्लीट योर ऑन प्रोजेक्ट तो जितना कोशिश हो सकेगा क्वालिटी बेस्ड कंटेंट हम आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे बाकी ये लाइव है आप डिस्कस कर सकते हैं कहीं पे लगता है कि नहीं हाँ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या फिर समझने में इशू आ रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इट्स नॉट रिकॉर्डेड सेसन तो इसमें आप डायरेक्टली कॉर्डिनेट करके हमें पूछ सकते हैं कभी भी राइट यू कैन ड्रॉप अ मेल आप मेल कर सकते हो कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो बहुत सारे मैथड हैं कनेक्ट होने के तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपको अगर आप सिक्स वीकेंड या एट वीकेंड का टाइम देते हैं तो ये वर्थेड हो ये आपका फ्रूटफुल जाए जितना भी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करें वो फ्रूटफुल जाए क्लियर पेमेंट स्ट्रक्चर को पेमेंट आप सकते। हाँ जी तो हाँ व्हाट्सएप शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे सभी मेथड है मीन्स यू कैन पे डायरेक्टली गूगल पे या फोन पे या फिर अकाउंट पे पे भी कर सकते हैं दोनों तीनों मेथड है तो आप व्हाट्सएप पे पिंग करेंगे तो हम सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे सब्सक्रिप्शन जो फ्री ट्रायल है, हाँ, जो वो लेना बेटर प्रैक्टिकल तो मेरी तरफ से पूरा 100 परसेंट ही रहेगा मैं तो सभी चीजें अपने पोर्टल पे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा बट यू आल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट बाई सेल्फ तो आपको फ्री ट्रायल तो लेना ही पड़ेगा एनी हाउ आई नो इट्स अपलिकेबल फॉर थर्टी डेज तो हम ये नहीं कहेंगे कि डे वन आप सब्सक्रिप्शन पहले ले लो पहले ही दूसरी क्लास में ही ले लो नहीं हम दो हफ्ते की क्लास लेंगे मीन्स पाँच क्लासेस जाएंगी हमारी दस घंटे का हमारे पास कॉन्टेंट आएगा देन यू कैन क्रिएट ताकि आप ये थर्टी डेज और जो टू हंड्रेड डॉलर है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ ओके okay, मेरा ऑब्जेक्टिव ये ये है कि मैं एग्जाम देना चाह रहा पाओके ठीक है हाँ बिल्कुल क्लियर है सभी से रिक्वेस्ट है यू नो वेरी वेल अबाउट सभी से रिक्वेस्ट है यू नो वेरी वेल अबाउट आज की डेट में कहीं से भी हम एग्जाम करा सकते हैं पाँच सौ या हजार डेढ़ हजार रुपया एक्स्ट्रा लगता है अमाउंट बट बहुत सारे मार्केट uh, में अवेलेबल हैं जो आपको एग्जाम करा दें बट वो एज ए वर्किंग प्रोफेशनल इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग विद एजयर तो आप अपनी तरफ से खुद से आप एग्जाम दें फर्स्ट अटेम्प्ट तो जरूर दें एटलीस्ट ताकि हमें भी समझ में आए मीन्स यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट कि आपने एजयूर में कितनी सारी चीज़ें आती हैं ओके सो so, समीर आपका क्वेश्चन है कि अगर हमने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है एक्सपायर हो गया है तो क्या हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर दूसरी ईमेल आईडी से बना सकते हैं बहुत सिंपल सा इसका रिप्लाई है जब आप किसी भी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके साइन अप करते हो एजूर पे क्योंकि अभी उन्होंने पॉलिसी चेंज की है अपनी जब आप किसी भी ई मेल फ़ोन नंबर क्रेडिट कार्ड आई एस पी हाँ आई को भी आप ऐड करिए क्या क्या चीज़ें कॉन्टैक्ट नंबर ठीक है आपकी ई मेल आपका डेबिट कार्ड या कार्ड डिटेल बोल सकते हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड और आईएसपी जिस इंटरनेट की हेल्प से आपने अकाउंट फ्री ट्रायल बनाया है ये इंफॉर्मेशन एक साल के लिए एज के पास स्टोर हो जाती है मतलब इनमें से किसी भी चीज़ को अगर आपने मैच कराया किसी भी चीज़ को यूज़ किया दूसरा अकाउंट बनाने के लिए मान लीजिए आपने मोबाइल नंबर चेंज किया मेल आईडी भी चेंज कर दी आपने क्रेडिट कार्ड वही इस्तेमाल किया या फिर आपने क्रेडिट कार्ड भी दूसरा चेंज कर दिया और आईएसपी वही इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस रहेंगे कि वो आपको फ्री ट्रायल दें तो व्हाट यू नीड टू डू इस केस में या तो एक साल बाद ट्राई करिए या फिर आप सारी चीज़ें चेंज करें कॉन्टैक्ट नंबर और क्रेडिट कार्ड मैंडेटरी है ई मेल तो वैसे भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे क्रेडिट कार्ड आपको बदलना पड़ेगा आपको ई मेल चेंज करनी पड़ेगी एंड यू ऑल्सो नीड टू चेंज द आई आप कोशिश करिए कि आप मोबाइल के हॉटस्पॉट से साइन अप करिए ताकि वो आ, आपका आई पब्लिक आईपी चेंज हो सके अगर इनमें से कोई चीज़ें मैच करती हैं तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट इट अगर आपको एक्सटेंड करना है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं फ्री ट्रायल की जगह पे आपको पे एस यू में जाना पड़ेगा और पे एच यू गो स्टार्टिंग में थोड़ा सा नुकसान दे सकता है क्योंकि हम चीज़ें भूल जाते हैं चल चालू करके मशीन को टर्न ऑन करके भूल गए तो इट विल इम्पैक्ट टू आवर बिल तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि अभी आप पे एस यू गो पे जाइए क्योंकि ये इसका बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकता है एक साल आपको लग जाए वेन कैन वी डू द नेक्स्ट अटैम्प्ट नेक्स्ट अटैम्प्ट इन देंस यू आर टॉक अबाउट की फ्री ट्रायल अकाउंट के लिए नेक्स्ट अटैम्प्ट रंजीत फ्री ट्रायल के लिए अगर आप उनमें से कोई भी चीजें इस्तेमाल कर एग्जाम तो आप कभी भी दो आज एग्जाम दिया आपने इफ़ ए नी सूज अ कर तो फिर चार दिन बाद फिर से शेड्यूल कर दो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे आपने ही सब case, गए, तो एग्ज़ाम दिया इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो नेक्स्ट वीक फिर से स्कड्यूल कर दो अब तो ऑनलाइन है यू कैन जस्ट टेक योर एग्ज़ाम फ्रॉम होम आप घर से देख सकते हैं आपका सेटअप रेडी कराएंगे वो एंड यू कैन टेक योर योर एग्ज़ाम बाय सेल्फ any other question guys Hi, sir. Hi Rahul. Uh, yeah, uh, actually, uh, I have a one uh, aged one of course certificate, but with, uh, this is expired. So, मेरे को ये renew होगा या फिर new लेना पड़ेगा या थोड़ा सब्सक्राइब? आप आप अपने एम एस डी एन की प्रोफाइल को ओपन करो जहाँ से आपने एग्जाम दिया होगा ना आपके पास एक प्रोफाइल बन के आ गई होगी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन का जहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो वहां पे देखना अगर आपके एग्जाम के आगे एक्सपायर और नीचे रिन्यू का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्योंकि रिन्यू की जो विंडो है ना वो ये तीन महीने तक ओपन करके रखते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो रिन्यू की विंडो गायब हो जाती है रिन्यू में क्या होता है अगेन यू नीड टू क्लियर फ्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं मतलब आई थिंक एट टू सॉरी एट टू ट्वेल्व या दस से बारह क्वेश्चन का लिस्ट आएगा उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे अगेन यू नीड टू अचीव सेवेंटी परसेंट और आपका विद इन मिनट जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करोगे रीन्यू वाला आपका जो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन की डेट है वो अगेन बढ़ जाएगी तो आप पहले ये वेरीफाई करो कि आपको रिन्यू की विंडो अभी ओपन है या नहीं अगर नहीं है तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा नहीं सर वो एक्सपायड सोंग कर रहा है वो आपका नीचे रिन्यू का ऑप्शन नहीं 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 फिर तो तीन महीने तो काफी बीत गए ना ती, तीन महीने तो काफी बीत गए हाँ। रिन्यू की विंडो तीन महीने तक रहती है तो आपको फिर से करना पड़ेगा एग्जाम देना पड़ेगा एक और मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी जो क्लाउड लिए उसके लिए आपको एक प्री आ, सर्टिफिकेट भी जरूरी है जैसे मेरे पास जो ये बनो को था तो वो एक्सपायर्ड है भी वो उस कंडीशन में काम करेगा या नहीं करेगा आप क्या करिए ठीक है जैसे मैं आपको दिखा देता हूं आपको स्क्रीन मिल रही है ना हाँ. अब जैसे यहाँ पे मैं अपना एग्ज़ाम बुक करता हूँ अब डिस्काउंट की बात करते हैं कैसे डिस्काउंट मिलेगा राइट जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेशन है दो तीन सर्टिफिकेशन मैंने कर रखे हैं अपने इसमें माइक्रोसॉफ्ट में तो मैं देखता हूँ कि मुझे कितना डिस्काउंट मिल रहा है अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा जिस आई से आपने एग्ज़ाम दिया था ठीक है ना जिस आई से आपने एग्ज़ाम दिया था उस आई से आपको लॉग कराना पड़ेगा मीन्स ये जो पेज है ना आपका उसी आई से लॉगिन होना चाहिए तो लेट मी ओपन आउटलुक डॉट कॉम और मैं सेम ईमेल आईडी का इस्तेमाल करता हूं लॉगिन करने के लिए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि डिस्काउंट आप कैसे ग्रैप करेंगे ठीक ये आउटलुक अकाउंट बनाया था मैंने 2017 में पहला एग्जाम दिया था तो वो सेम ईमेल आईडी के थ्रू हमने लॉगिन किया है एंड लेट्स ट्राई टू बुक अवर एग्जाम ए जी वन फोर का ही देख लेते हैं कि कितना हमें डिस्काउंट मिल सकता है अगर आपने पहले कोई भी सर्टिफिकेशन किया है नाइन का किया है या 104 का किया है या फिर थ्री का किया है या फिर अदर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट है आपके पास तो पक्का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट ये प्रोवाइड कर देगा लेट मी चेक केड्यूल करते हैं योर माइक्रोसॉफ्ट प्रोफाइल शुड भी लॉग इन थ्रू द सेम ई मेल आई डी जो आपने एग्ज़ाम के टाइम पर ये इस्तेमाल किया था सो ट्वेंटी फोर एट आउटलुक डॉट कॉम लेट मी चेक Thank you. यू कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन कुछ भी आप मैंसन कर दीजिए यहाँ पे वैसे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है बट आई डोंट नो वाट हैपन विद माई अकाउंट ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस से एक्सेप्ट कर लेता है बट but... यू कैन प्रोवाइड द बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसके बाद ये सेकेंड स्टेप पर जब जाएगा ना तो आपको डिस्काउंट का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा पहले से अगर आपके पास एग्जाम है ऑलरेडी फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट सेवेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट या हंड्रेड परसेंट डिस्काउंट आपको मिल सकता है सो मेक श्योर जिस आई डी से आपने एग्जामिनेसन दिया है ना उसी आई डी से आप इस पेज को लॉग इन करेंगे एंड यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ फिफ्टी परसेंट तो वाउचर अपने तरफ से तो खुद May I help if you require? Yeah, please send me the e uh, link. No, no, like, can I share the screen? Yeah, sure, please. I'm making you presenter. Uh, please, Naresh. Okay. Like. Screen is disabled, like picture is disabled. i'm making a presenter wait 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 okay. now you are presenter can you please show and guide us hope my screen is visible no not yet

करेक्ट 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 दिस इज द ऑप्शन जो हम अचीव कर सकते हैं या प्लीज ग्रेट ग्रेट सो जो बाउचर है ना हम ऐसे आपस में कोऑर्डिनेट करके ना बाउचर को अरेंज कर सकते हैं और डेफिनेटली uh, आप कोशिश करना कि आप खुद से एग्ज़ाम दो क्लासेस रहेंगी हमारी चलती रहेंगी तो कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से तो कहीं ना कहीं फ़िफ्टी परसेंट पर सेवेंटी फ़ाइव परसेंट पर कहीं ना कहीं हंड्रेड परसेंट पर हमें वाउचर फ्री मिल जाएगा और आसानी से हम अपना एग्ज़ाम बुक करके ना चेक कर सकते हैं कि हम कितने परसेंट अचीव कर सकते हैं ठीक है समीर आपका क्वेश्चन है क्या हम वो सभी एक्टिविटी कर सकते हैं जो ऑन प्रोमाइसिस पे करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो एस यू पोर्टल पे वो सभी रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो ऑन प्रोमाइस पे आप इम्प्लीमेंट करते हो चाहे वो आपका सर्वर इम्प्लीमेंट हो नेटवर्क हो फायर हो स्टोरेज हो सिक्योरिटी हो मॉनिटर के बहुत सारे टूल हैं मॉनिटरिंग के जिससे आप डिवाइस को मॉनिटर कर सकते हो उनको उनके लॉग्स को जनरेट कर सकते हो लॉग को कलेक्ट करके उसमें ट्रबल शूटिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हो

टेन परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के बाद यू नो दैट ये अमाउंट हो जाएगा uh, जो ट्वेल्व थाउजेंड है वो आपका टेन थाउजेंड एट हंड्रेड हो जाएगा सो so, अगर आप रेडी हैं करना ही है तो आपको डायरेक्टली uh, जो है टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद माइक्रोसॉफ्ट ए जीरो ए जी वन जीरो फोर सो प्लीज़ पिंग मो पिंग मी ऑन व्हाट्सएप और जो आगे का प्रोसीजर है पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र करनी है कैसे क्या करना है वो हम व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेते हैं इज़ दैट ओके ओके ब्रीबंध थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और स्कड्यूल आपके पास ऑलरेडी है कंटेंट आपके पास है इफ़ यू रियली वॉन्ट टू ज्वाइन द सेसन प्लीज पिंग मी ऑन व्हाट्सएप आज के लिए वैलिड है अगर आप एग्री करते हैं तो विल गिव यू द टेन परसेंट डिस्काउंट ओके ब्रीबंध थैंक यू सो मच विल कनेक्ट ऑन नेक्स्ट सेसन इफ एवरीथिंग इज ओके टेक केयर गाइज बाय सैटरडे संडे का सेशन रहेगा हाँ सैटरडे एंड संडे मैं आपको चैट में भेज रहा हूँ सिक्स वीकेंड जाएगा ये डेढ़ महीने तो आपको डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा सिक्स वीकेंड चाहिए कंटेंट अच्छे खासे है ना फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा आप भी प्रैक्टिस करोगे प्रोजेक्ट रहेंगे तो ये सभी कंप्लीट करने में सिक्स वीकेंड तो चाहिए चाहिए एनी हाउ चैट में मैंने नंबर सेंड किया है आप इसको कॉपी कर लो और पिंक करो आई एम अवेलेबल तो डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या करना है प्रोसीड करना है ठीक है एनी अदर क्वेश्चन हर सेक्शन में नहीं 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 सैटरडे ढाई घंटे संडे दोनों मिलाके पांच घंटे का okay, okay. है ना कंटेंट okay. ज्यादा है तो फिर पांच घंटे तो एक हफ्ते में चाहिए चाहिए ओके एवरीवन सो लेट्स कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप और अपना एक ग्रुप बनाते हैं क्लासेस का और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक से सैटरडे एट एट पीएम आईएसटी से और देखते हैं एजयोर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमसे और क्या क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे राइट सो वी मस्ट नीड टू एड एटलीस्ट वन मोर टेक्नोलॉजी इन अवर करंट स्किल जो भी करंट डोमेन है उसमें आप एजर को भी ऐड करिए ताकि आने वाले टाइम पे हम अपने जॉब को सिक्योर कर सकें राइट टेक केयर गाइज थैंक यू सो मच विल कनेक्ट ऑन नेक्स्ट सेसन बाय बायक